हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस आज तारीख हो चुकी है 26 अगस्त 2024 और हर रोज की तरह हमारे सामने आज भी आईपीएल 2025 को लेकर आईपीएल की सभी टीमों के रिगार्डिंग दिन भर की जितनी भी बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट्स निकल कर आई है उन सभी को लेकर हम आपके सामने आ चुके हैं। तो वीडियो हमेशा की तरह काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप लोगों को इस वीडियो को देखना है बिल्कुल लास्ट तक। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए जिससे हमारी वीडियोज की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के दिन की सबसे पहली अपडेट और सबसे ज्यादा शॉकिंग अपडेट हमें देखने को मिली है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की साइड से, जहां पर रिपोर्टेडली अब कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम अपने कप्तान श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव के साथ हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल सकती है। हमने आपको वैसे कल ही बता दिया था कि सूर्य कुमार यादव हमें मोस्ट प्रोबेबली केकेआर में आते हुए नजर आएंगे, लेकिन उस टाइम पर यह नहीं पता था कि ये डायरेक्टली श्रेयस अय्यर को मुंबई इंडियंस में ट्रेड करने वाले हैं और सूर्य कुमार यादव को कोलकाता नाइट राइडर्स में। अभी तक की रिपोर्ट्स के हिसाब से केकेआर की टीम का सिंपल सा लॉजिक यही है कि वो सूर्य कुमार यादव जो कि एक भारतीय कैप्टन है उनको अपनी टीम में कैप्टन के तौर पर लाना चाहते हैं। लेकिन ये चीज थोड़ी सी अजीब इसलिए हो जाती है क्योंकि श्रेयस अय्यर की बात की जाए तो इन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को 10 साल के बाद आईपीएल का टाइटल जितवाया था। तो ऐसे में एक ऐसे कैप्टन को जिसके साथ आपने आईपीएल का टाइटल जीता हो उसको हटाना और उसके बाद किसी और प्लेयर से ट्रेड करके उसको कैप्टन बना देना कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर के लिए काफी ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग न्यूज हो सकती है। कमेंट करके आप लोग बताना कि आप लोग केकेआर की टीम के इस डिसीजन को सपोर्ट करते हैं या फिर नहीं। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की दूसरी बड़ी अपडेट और ये अपडेट निकलकर आ रही है दिल्ली कैपिटल्स की टीम की साइड से। ये बात तो ऑलरेडी आप लोग जानते ही हैं कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम ऋषभ पंत को इस बार हमें रिलीज करते हुए देखने को मिलने वाली है। तो ऐसे में ऋषभ पंत के रिलीज हो जाने के बाद अब रिपोर्टेडली दिल्ली कैपिटल्स की टीम अक्षर पटेल को अपना नया कप्तान बनाने की तरफ देख रही है। हमने आपको पहले भी बताया था कि युवराज सिंह इनकी टीम में हमें हेड कोच के कंटेंडर के तौर पर देखने को मिलने वाले हैं। तो ऐसे में युवराज अगर इनकी टीम के हेड कोच बनते हैं और ऋषभ पंत अगर दिल्ली कैपिटल्स की टीम को छोड़ते हैं तो फिर अक्षर पटेल जो कि हमें रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप हुआ था वहां पर काफी ज्यादा कंसिस्टेंटली ना सिर्फ बल्ले के साथ बल्कि गेंद के साथ भी इन्होंने परफॉर्म किया था, खासकर वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में भी इन्होंने मैच विनिंग नॉक खेली थी। तो ऐसे में अक्षर पटेल हमें डीसी की टीम के नए कैप्टन के तौर पर देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की अगली अपडेट और ये अपडेट निकल कर आ रही है पाकिस्तान की टीम की साइड से, जहां पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में कल हमें टेस्ट मुकाबला देखने को मिला था और पाकिस्तान की टीम इस टेस्ट मुकाबले में बांग्लादेश की टीम से हार गई। बात यह नहीं है कि पाकिस्तान की टीम मुकाबला हारी है बल्कि बात यह है कि पाकिस्तान की टीम लास्ट के 1300 दिनों से अपनी जमीन पर टेस्ट मुकाबला जीती ही नहीं है। पूरी दुनिया में ऐसी सिर्फ दो ही टीमें हैं जो कि अपनी जमीन पर भी टेस्ट मुकाबला इतने दिनों में नहीं जीत पाई हैं, जहां पर जिम्बाब्वे की टीम 4000 से भी ज्यादा दिनों से अपनी जमीन के ऊपर कोई भी टेस्ट मुकाबला नहीं जीती है। लेकिन जिम्बाब्वे ने सिर्फ 14 ही होम टेस्ट मुकाबले 11 साल में खेले हैं, तो वहीं पाकिस्तान की टीम लास्ट के 3 साल में 9 टेस्ट मुकाबले खेल चुकी है। लेकिन इसके बावजूद उन 9 में से पाकिस्तान की टीम हमें एक भी टेस्ट मुकाबला जीतते हुए नजर नहीं आई है, जिसके बाद अब टेस्ट रैंकिंग में पाकिस्तान की टीम हमें नंबर 8 पर जाते हुए नजर आ चुकी है। जल्दी ही अगर ये नंबर 10 से बाहर होते हैं तो पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी नहीं खेल पाएगी। फिलहाल हम चलते हैं हमारे आज के दिन की अगली अपडेट और ये अपडेट निकल कर आ रही है केएल राहुल की साइड से, जहां पर हमने आपको बताया था कि केएल राहुल ने एक ऑक्शन कंडक्ट करवाया था जिसमें चैरिटी के लिए इन्होंने अलग अलग प्लेयर्स जैसे कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी और इवन पूरे दुनिया भर से भी काफी सारे प्लेयर्स के जो अलग अलग एक्सेसरीज होती हैं जैसे कि उनके ग्लव्स, बैट्स और शर्ट वगैरह, उनकी ऑक्शन की थी और काफी ज्यादा महंगी सारी चीजें बिकी भी थी। लेकिन इसमें एक काफी ज्यादा सरप्राइजिंग और फनी चीज हमें देखने को मिली कि जिस बल्ले से केएल राहुल ने वर्ल्ड कप के फाइनल में खेला था वो बल्ला हमें अनसोल्ड जाता हुआ नजर आया। ऑब्वियसली बात है केएल राहुल के इस नॉक को जिसमें इन्होंने 107 गेंद पर 67 रन बनाए थे आज तक भी ट्रोल किया जाता है। तो ऐसे में कोई भी इनके बैट को लेने में इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि लोगों का मानना था कि केएल राहुल के उस बैट की वजह से ही भारत ने 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप हारा है। तो ऐसे में उस बैट को 1 रुपए में भी किसी ने नहीं खरीदा। फिलहाल हम चलते हैं हमारे आज के दिन की अगली अपडेट और ये अपडेट निकल कर आ रही है एलएसजी के ओनर संजीव गोयनका की साइड से, जहां पर गोयनका की साइड से हमें अपडेट देखने को मिली है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के रिगार्डिंग, जहां पर संजीव गोयनका ने बताया है कि लखनऊ सुपर जायंट्स की साइड से जो केएल राहुल ने अभी रिसेंटली स्टेटमेंट दी थी कि संजीव गोयनका ने उनको जो डाटा था वो चीज वो प्राइवेटली भी कर सकते थे। इन्होंने कहा है कि इस तरीके की पर्सनल टॉक केएल राहुल को ठीक नहीं लगती है क्योंकि उनके हिसाब से उन्होंने केएल राहुल को अपने घर पर डिनर के लिए बुलाया था और उसके बाद दोनों के ही बीच में चीजें सॉर्ट आउट हो गई थी। तो उन्होंने कहा है कि वो केएल राहुल से वापस से इस बारे में बात करेंगे कि इस तरीके से टीम की जो बातें हैं वो टीम के अंदर ही रखी जाएं। तो एक बार फिर से संजीव गोयनका हमें अपनी गलती से दूर भागते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल हम चलते हैं हमारे आज के दिन की अगली अपडेट और ये अपडेट निकल कर आ रही है आईपीएल की हिस्ट्री में टॉप 10 आईपीएल नॉक्स की एक लिस्ट हमें देखने को मिली है और इस लिस्ट में आज तक आईपीएल की हिस्ट्री में जो 10 सबसे बेहतरीन नॉक खेले गए हैं उसमें सबसे पहले नंबर पर हमें क्रिस गेल के 175 को रेट किया गया है, दूसरे नंबर पर ब्रेंडन मैकलम के 158, तीसरे नंबर पर रिंकू सिंह के 48, चौथे नंबर पर विराट कोहली के पीबीकेएस के खिलाफ 113 नॉट आउट, पांचवें नंबर पर धोनी के 54 नॉट आउट, छठे नंबर पर रैना के 25 गेंद पर 87, सातवें नंबर पर शेन वॉटसन के 117,
17, 8वें नंबर पर राहुल तिवाटिया के 53, 9वें नंबर पर एंडरसन के 95 और उसके साथ ही नंबर 10 पर मनविंदर बिस्ला के चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ फाइनल में 89 रन की पारी को रैंक किया गया है। कमेंट करके आप लोग बताना आपके हिसाब से आईपीएल की हिस्ट्री की आपके अकॉर्डिंग टॉप 3 सबसे बेहतरीन पारी कौन सी रही है। फिलहाल हम चलते हैं हमारे आज के दिन की आखिरी अपडेट जो कि निकल कर आ रही है भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा की साइड से, जहां पर एक काफी अच्छी अपडेट हमें रोहित शर्मा के रिगार्डिंग सुनने को मिली है। हालांकि अभी तक 100% तो ये चीज कंफर्म नहीं है, लेकिन काफी सारे रूमर्स इसके रिगार्डिंग निकल कर आ रहे हैं कि रोहित शर्मा अपना सेकेंड चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी बताया जा रहा है कि रितिका जो है वो प्रेग्नेंट है और ऐसे में रोहित शर्मा करेंटली उन्हीं के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो अगर ये न्यूज कंफर्म होती है तो हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट करके बता देंगे, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये चीज बिल्कुल फ्री है, वहां पर आपके लिए ऑक्शन से पहले काफी बड़ा गिव अवे भी हम लोग लेकर आ रहे हैं। तो आप लोग अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलकर फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब।